अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफी इल्जाम लगा, लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, इसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और कोई 21-22 फॉरेनर की मौत हुई। उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। बांग्लादेशी न्यूज़पेपर 3 जुलाई को इन्फॉर्मेशन दी, वन ऑफ द टेररिस्ट वाज़ द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन द फेसबुक। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट की जी और बोले ही वाज़ इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है और एक इंस्पायर्ड, मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है और एक फॉलोअर तासर दे दिया कि आपका साथी है। हाँ, लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के वो नोट ऐसा रहे इनडायरेक्ट। तो इंडिया मीडिया में उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वाज़ जाकिर नाइक। अब गूगल के जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज पेपर, इंडियन न्यूज पेपर, तो मुझे ओवर नाइट गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी। इसीलिए मैंने कहा उनको, मैंने कहा जज़ाकअल्लाह। और जज़ाकअल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैं क्या चाहता, मैंने क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकअल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकअल्लाह खैर अलग होता है। जज़ाकअल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे, जैसा कि अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा।